क्या मध्य प्रदेश में जल्द ही होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार? क्या मोहन मंत्रिमंडल में कांग्रेस से आने वालों को जगह मिलने वाली है? जी हां, खबरें जो निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक तो मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के बाद इसकी प्रबल संभावना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाएगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एक या दो मंत्री मोहन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। भीतर से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि दिल्ली आलाकमान से हरी झंडी का इंतजार बीजेपी प्रदेश नेतृत्व कर रहा है और जैसे ही वहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा विस्तार की तैयारियां भी तेज कर दी जाएंगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या बल को पूरा करने के लिए अभी चार स्थान बाकी हैं, यानी कि चार और लोग मंत्री बन सकते हैं। और ऐसे में चर्चा ये भी कि कांग्रेस से आए दो बड़े चेहरों को कैबिनेट में स्थान दिया जा सकता है। इनमें से एक नाम जो कंफर्म ही कहा जा रहा है वो है राम निवास रावत। राम निवास रावत मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। हालांकि वे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और बीजेपी को हाथ मिला दिया था, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं और लगातार छह बार से चुनकर विधानसभा भी जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी तक वो संभालते रहे थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के एन पहले पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके आने के बाद उनके क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ और ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि रामनिवास रावत को बीजेपी मंत्री पद पर बैठा कर इसका इनाम दे सकती है। खबर तो यह भी है कि पहले वे प्रदेश में मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद विधायकी पद से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। क्यों बन सकते हैं रावत मंत्री, इसके पीछे कई वजह हैं। मसलन वे ओबीसी का बड़ा चेहरा भी हैं, साथ ही ग्वालियर चंबल में वो बीजेपी को और मजबूती दे सकते हैं, इस लिहाज से उनका नाम तय कहा जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मोहन सरकार के पार्टी पदाधिकारियों ने कमलेश शाह को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार किया है। इसकी अनुमति भी दिल्ली के आला कमान से मांगी गई है। रावत और कमलेश शाह लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में आए थे और एक तरफ जहां कमलेश शाह का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और उनकी सीट अमरवाड़ा पर 10 जुलाई को उपचुनाव है, वहीं दूसरी तरफ रामनिवास रावत और बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे का इस्तीफा अभी विधानसभा को नहीं मिला है। बीजेपी के सूत्र ये भी बताते हैं कि रावत की तरफ से बात रखी गई कि वे मंत्री पद की शपथ के बाद ही विधायकी छोड़ेंगे। हालांकि ये भी अहम पहलू है कि बीजेपी के 163 विधायकों में 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव के साथ कई सीनियर पहले से मौजूद हैं और मंत्री भी नहीं है। इनमें संजय पाठक, रमेश मेंदोला, अर्चना चिटनीस, रीति पाठक सरीखे लोग भी शामिल हैं। अब इन्हें पार्टी मैनेज कैसे करती है ये बड़ा सवाल है। बात कमलेश शाह की कर लें तो वो भी मंत्री बनने की दौड़ में नजर आते हैं। आप बताएं कि कमलेश शाह अमरवाड़ा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी थे और अब अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने वाला है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों के बाद ये माना जा रहा है कि कमलेश शाह को भी सरकार में शामिल कर लिया जाएगा और शायद इसी बात का इंतजार हो रहा है कि उपचुनाव के नतीजे आ जाए। आपको बता दें कि अमरवाड़ा पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहीं विजयपुर के साथ ही बीना में भी आने वाले वक्त में उपचुनाव हो सकता है। जब ये दोनों कांग्रेस विधायक अपनी सदस्यता विधानसभा से छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान बुद्धि सीट से विधायक का पद पहले ही छोड़ चुके हैं, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में बुधनी, विजयपुर और बीना में एक साथ उपचुनाव होगा, जिस पर कांग्रेस का दावा है कि 10 जुलाई को होने वाला अमरवाड़ा का उपचुनाव तो वो जीतेगी ही जीतेगी। उधर अभी से कांग्रेस ने विजयपुर के लिए एक 6 समिति बनाई है जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह, पूर्व मंत्री लाखन सिंह, विधायक फूल सिंह बरैया, दिनेश गुर्जर और सत्यपाल सिंह सिकरवार को भी शामिल किया गया है ताकि विजयपुर और बीना पर भी आने वाले वक्त में कांग्रेस कब्जा कर सके।